तो फाइनली हमारा YouTube चैनल AV टेक्निकल टिप्स यहाँ पे YouTube पे मोनेटाइज हो चुका है। आपने अगर पिछली वीडियो देखी होगी तो उसके अंदर मैंने अपना चैनल को मोनेटाइज करके यहाँ पे वीडियो बनाया था, जिसके अंदर पूरा कंप्लीट डिटेल दिया था कि कैसे आपको अपना चैनल मोनेटाइज करना है। तो उस वीडियो के अंदर मैंने अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई किया था और अब जाके यहाँ पे YouTube से मेल भी आ चुका है और हमारा चैनल यहाँ पे फाइनली दोस्तों मोनेटाइज हो चुका है। तो इस वीडियो के अंदर पूरा कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कब मैंने अपना चैनल को स्टार्ट किया था, क्या इस चैनल से पहले भी मेरा कोई और एक चैनल था यूट्यूब के ऊपर, इससे पहले क्या मैं वीडियो बनाता था और कितना मुझे टाइम लग गया 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट करने में और मोनेटाइजेशन में कितना टाइम लग गया कंप्लीट होने में, सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कंप्लीट बताऊंगा और क्या क्या परेशानियां आई मुझे यहां पे पूरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने में, 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट करने में, पूरा मोनेटाइजेशन होने तक की क्या क्या दिक्कतें आई, वो सब कुछ दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं शेयर करने वाला हूं। तो यार वीडियो में लास्ट तक बने रहे। तो चलिए दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो करते स्टार्ट। तो बहुत लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या आपने पहले कभी YouTube पे काम किया, यानी अभी जो मेरा AV टेक्निकल टिप्स चैनल है इससे पहले क्या मैं YouTube पे वीडियोस बनाया करता था या फिर नहीं बनाया करता था। तो दोस्तों मैं आपको सिंपल से बता दूं, इससे पहले मैंने यहाँ पे 2 से 3 चैनल क्रिएट ऑलरेडी कर चुके थे, मतलब उस पर मैंने ऑलरेडी काम किया था। तो जब मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम YouTube के ऊपर आया था तो मैंने यहाँ पे बहुत लोगों की वीडियोस देखी कि वो लोग यार वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। तो मैंने मुझे उस समय यहाँ पे कुछ भी पता नहीं था कि यहाँ पे YouTube चैनल मोनेटाइज होता है, YouTube से पैसे भी आते हैं। बस मैं यहाँ देखता था कि सबके वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ आ रहे और कितना सिंपल है वीडियोज अपलोड करना, ये मैं देखता था YouTube के ऊपर। तो पहले मैं क्या किया करता था, जो यहाँ पे टी सीरीज चैनल आप जानते होंगे म्यूजिक का, उसके यहाँ पे सॉन्ग्स को मैं कट करके यहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज करके उसको मैं वापस से YouTube अपलोड कर देता था। मुझे पर ये नहीं पता था कि मैं अगर किसी और का यहाँ पे चीज को यूज कर रहा हूँ, म्यूजिक या फिर कुछ भी वीडियो यूज कर रहा हूँ, तो उससे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है, चैनल डिलीट हो सकता है, मुझे कुछ भी नहीं पता था। तो ऐसे में थोड़े दिन में 1-2 महीने मैंने इस पर काम किया चैनल पर और एक दिन एक साथ 3 स्ट्राइक आ जाती हैं और जो मेरा फर्स्ट चैनल था वहाँ पर परमानेंटली यूट्यूब डिलीट कर देता है। और उस समय भी मुझे इसके बारे में अपील के बारे में नहीं पता था और वैसे भी अगर मैं अपील करता तो उसमें मेरी ही मिस्टेक निकलती, क्योंकि मैंने वहाँ पर पूरा पूरा सॉन्ग कॉपी किया था। तो वो मेरा फर्स्ट चैनल था। फर्स्ट चैनल बनाने के बाद वापस से मैंने यहाँ पे सेकंड चैनल ओपन किया, तब भी अभी तक मुझे ये आइडिया नहीं था कि दूसरे का यहाँ पे सॉन्ग्स ये सब चीज यूज कर सकते कि नहीं। तो मैंने सेकंड टाइम चैनल में क्या किया, मैं यहाँ पे रिंगटोन बनाना स्टार्ट कर दिया। आप में से बहुत लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए होंगे जरूर, आप में से कई लोगों ने स्टेटस वीडियो बनाया होगा, कई लोगों ने रिंगटोन वीडियो बनाया होगा, कुछ इसी तरह मैंने भी यहाँ पे रिंगटोन के वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तब मैं पहले वाले चैनल पे क्या करता था, पूरा सॉन्ग यूज़ करता था। बट अब जब मैंने सेकंड चैनल यहाँ पे स्टार्ट किया तो उसका नाम था फोन रिंगटोन। उस चैनल पे मैं यहाँ पे पूरे सॉन्ग को नहीं यूज़ करता था, उसमें सिर्फ 30 सेकंड निकाल के मैं उसे रिंगटोन बना के यूट्यूब अपलोड करता था। इस चैनल पे पहली बार मुझे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देखने में मिला, मेरी वीडियोज़ पे लाखों में व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए। बट तब भी अभी मुझे नहीं पता था कि क्या आगे चल के यहाँ पे चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं। इस जब मैंने ये सेकंड चैनल को ओपन किया तब तक मुझे ये चीज़ मालूम चल गई थी कि यूट्यूब से पैसा भी कमाया जाता है। तो जब ये यहाँ पे चैनल ग्रो हो रहा था, इसके ऊपर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे थे, कई कई वीडियोस में यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम आ रहे थे, बट मैं उसके वीडियो को यहाँ पे डिलीट कर दे रहा था। तो ऐसे ऐसे ये चैनल अच्छे से ग्रो हो गया और इस चैनल पे फोन रिंगटोन वाले चैनल पे 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए। 15,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होते होते यहाँ पे मेरा जो 4,000 आवर वॉच टाइम था वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, 4,000 आवर वॉच टाइम भी कंप्लीट हो गया। और यहाँ पे जितने भी मेरे चैनल पे कॉपीराइट क्लेम आए हुए थे सॉन्ग के अंदर, मैंने मोनेटाइजेशन अप्लाई करने से पहले वो सारी वीडियोज़ को डिलीट कर दिए। वीडियोज़ डिलीट करने के बाद क्या हुआ, जब मैं इसे मोनेटाइजेशन पे अप्लाई किया तो यहाँ पे एडसेंस तक तो फटाफट सब कुछ क्रिएट हो गया सेकंड स्टेप तक। थर्ड स्टेप में मुझे यहाँ पे 1 मंथ लग गए। उस 1 मंथ में यार मैंने कितनी बार सोचा होगा कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा या फिर नहीं होगा, रोज में बस यही सोचता था कि क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं। बट फाइनली 1 मंथ के बाद यहाँ पे YouTube से मेल आता है कि आपको यहाँ पे अप्रूव नहीं किया जाता YouTube पार्टनर प्रोग्राम के लिए। YouTube ने यहाँ पे डिटेल में बता दिया कि आप YouTube पे खुद का कंटेंट कुछ भी नहीं क्रिएट कर रहे हो, आप किसी का कॉपी करके यहाँ पे म्यूजिक्स को यूज कर रहे हो, ऐसा ऐसा कुछ लिख दिया। तो YouTube ने वहाँ पे 30 डेज का टाइम भी देता है कि आप इसे सुधार के वापस से रीअप्लाई कर सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो कोई और सॉन्ग्स पे भी कॉपीराइट आए थे वो सब कुछ अब मैंने डिलीट कर दिया, कुछ वीडियोस को रख दिया, फिर से मैंने अप्लाई किया। ऐसे मैंने 3 से 4 बार YouTube के पास अप्लाई किया और यहाँ पे YouTube का हमेशा यही एक ही मेल सेम देखने को मिला कि आपके चैनल को अप्रूव नहीं किया जाएगा। तो ऐसे 4-5 बार मेल आ गए YouTube की तरफ से कि आपके चैनल को अप्रूव नहीं किया जाएगा। फिर मैंने एक दिन यहाँ पे गुस्से में आके YouTube चैनल जो मेरा फोन रिंगटोन था उसकी ईमेल आईडी डिलीट कर दी। सबसे पहले तो मैंने उसका चैनल डिलीट कर दिया, फिर उसकी ईमेल आईडी भी डिलीट कर दी, क्योंकि यार इतना मेहनत करने का, मैंने कम से कम उसके ऊपर 1-1.5 साल यहाँ पे मेहनत की थी, फिर जाके अप्लाई किया था YouTube के ऊपर और यहाँ पे 3 से 4 बार रिजेक्ट मिला। तो यार अच्छा नहीं लग रहा था कुछ भी, इसलिए मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और मुझे गुस्से में आके मैंने उस चैनल को यहाँ पर डिलीट कर दिया YouTube से परमानेंटली। बट मेरे पास उसका कुछ
स्क्रीनशॉट थे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो, उस टाइम पे शायद 10,000 कुछ सब्सक्राइबर थे जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो ये मेरा सेकंड चैनल था फोन रिंगटोन, इस पे भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लिया यूट्यूब पे टेक के वीडियोस, मुझे बहुत देखने का अच्छा लगता था तो मैंने टेक के वीडियोस को देखा। तो वहां पे मैं यहाँ पे फोन के रिव्यूज के ऊपर वीडियोस बनाना स्टार्ट कर दिया। एक और नया चैनल खोल लिया था टेक आकाश नाम से, और उस पे मैं फोन्स के बारे में बताता था, कंपैरिजंस बताता था, कौन से नए फोन लॉन्च होने वाले उसके बारे में बताता था। बट उस पे भी कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला उस पे। तो जो अभी ये एवी टेक्निकल टिप्स चैनल, उससे भी बहुत बेकार रिस्पॉन्स था। यानी आप खुद समझ सकते हो यार, जो यहाँ पे वीडियो बना रहा है एक रियल फोन दिखा के और मैं सिर्फ यहाँ पे उसके स्पेसिफिकेशंस बता रहा हूँ फोटो लगा के, तो कौन ही वीडियो देखना पसंद करेगा। तो ऐसे में मैंने उस चैनल पे भी काम करना बंद कर दिया। फिर यहाँ पे 2019 आ गया, मतलब 2019। फिर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस को देखा। और जब मैंने यहाँ पे थर्ड चैनल क्रिएट किया था, तब तक मुझे यूट्यूब के बारे में थोड़ा बहुत पता चल गया था, यूट्यूब पे कैसे क्या करते हैं, कैसे थंबनेल्स लगाते हैं, वीडियोस कैसे बनाते हैं, सब कुछ धीरे धीरे नॉलेज में आने लगा था। मैंने एक डेढ़ साल वीडियोस को देखा, समझा यूट्यूब पे क्या क्या वीडियो बनाया जा सकता है। फिर दोस्तों फाइनली मैंने यहाँ पे 2021 में 27 अगस्त को मैंने ये एवी टेक्निकल टिप्स चैनल को ओपन किया। अब दोस्तों पहले तो मैंने 2-3 चैनल बना लिया था, उससे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ गया था, नॉलेज आ गया था। तो मैंने सोचा जो चीज़ मुझे नहीं पता थी, अगर मुझे वो चीज़ पहले से पता होती जब मैंने फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था तभी से सब कुछ, कि कॉपीराइट क्या होता है, कॉपीराइट आपको नहीं यूज़ करना चाहिए, किसी का भी सॉन्ग म्यूजिक वीडियोस को यूज़ नहीं करना चाहिए, इससे ये दिक्कत आ जाती। अगर ये चीज़ सारी मुझे पहले से पता होती जब मैंने फर्स्ट चैनल क्रिएट किया था और तब से ही मेहनत की होती, तो दोस्तों आज ये चैनल बहुत आगे जा चुका होता। बट ये सब के बारे में पता ही नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसके ऊपर वीडियोस बनाऊं, मैं भी यहां पे कुछ लोगों को बताऊं कि आपको ये YouTube पे नहीं करना चाहिए, YouTube रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊं, यानी YouTube पे कुछ नए अपडेट्स आ रहे उसके बारे में बताऊं, अगर आप ऐसे करते हो तो YouTube पे ये गाइडलाइंस के खिलाफ है, ये सब के बारे में मैं थोड़ा बहुत पता चल गई थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी के ऊपर चैनल बनाया जाए और लोगों को इसके बारे में ही बताया जाए। तो मैंने फाइनली ये एवी टेक्निकल टिप्स चैनल को स्टार्ट किया। बट जब मैंने चैनल ओपन किया था तब ये एवी टेक्निकल टिप्स नाम नहीं था, तब मैंने यहाँ पर टेक्निकल फैमिली के नाम से चैनल ओपन किया था। उस पर कुछ 4-5 महीने मैंने काम किया। बट जब मैं चैनल, अगर कोई भी मेरा चैनल सर्च करता था या फिर मैं खुद करता था दूसरे ईमेल आईडी से, तो टेक्निकल फैमिली सर्च करने पे यहाँ पे 3-4 टेक्निकल फैमिली चैनल थे। ऐसे में मेरा चैनल टॉप लिस्ट पे आता ही नहीं था, 5-6 नंबर पे आता था। तो मैंने बहुत सोचा क्या नाम रखूँ। तो मैंने बहुत सोचने के बाद फिर ये चैनल का नाम एवी टेक्निकल टिप्स रखा, जो अभी के टाइम पे चैनल का नाम है। और आप भी अगर एवी टेक्निकल टिप्स सर्च करते हो यूट्यूब के ऊपर, तो आपको फर्स्ट पे ही चैनल देखने का नाम मिल जाएगा। इस बार मैंने यहाँ पे YouTube पे वीडियोस बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत की इस बार, क्योंकि दोस्तों यार मैं चाहता नहीं था कि जैसे पहले मेरा फर्स्ट चैनल सेकंड चैनल में अप्रूव नहीं हुआ, YouTube ने बार बार रिजेक्ट कर दिया कि आपका ये कंटेंट है ही नहीं। तो इस बार मैंने सोच के ही ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया कि ऐसा कुछ मैं वीडियोज़ बनाऊंगा जिससे आगे चल के कोई भी दिक्कत ना आए, कोई भी परेशानियाँ ना आए, इसलिए मैं यहाँ पे फेस कैम वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो दिक्कत आई, क्योंकि यार जब हम फर्स्ट टाइम वीडियो बनाते तो सही तरीके से बोल नहीं पाते कैमरे की तरफ, बहुत बार हिचकिचाते हैं, बहुत बार अटक जाते हैं। बट आप जब धीरे धीरे इस पर यहाँ पे वीडियोज़ बनाना स्टार्ट करते हो, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो आप यहाँ पे अटकना कम हो जाता है आपका, आप अच्छे तरीके से कैमरे के सामने बोल पाते हो। जैसे कि अभी के टाइम पे मैं बहुत ही कम अटकता हूँ और थोड़ा अच्छे तरीके से यहाँ पे बोल पाता हूँ जब मैं अपनी वीडियोस को बनाता हूँ। तो ये दिक्कत थोड़ी बहुत सबके साथ रहती है जब वो अपने चैनल को स्टार्ट करते, बट मुझे इस चैनल पर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे से मैं धीरे धीरे वीडियोज़ बनाते गया। बट एक समय आया जब यहाँ पे मुझे लगने लगा कि यार अब इस चैनल पे कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय भी यहाँ पे मेरे चैनल पे कुछ भी व्यूज़ नहीं आ रहा था, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। ऐसा लग रहा था मेरा चैनल फ्रीज हो गया है या फिर मेरा चैनल डेड हो गया, क्यों मेरे चैनल पे व्यूज़ नहीं आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा टाइम का ब्रेक लिया, 2 महीने तक मेरे चैनल पे कुछ भी वीडियोज़ नहीं आए। 2022 के अप्रैल मंथ मई में कुछ भी वीडियोज़ मैंने नहीं डाली। फिर जून से वापस मैंने रेगुलर स्टार्ट कर दिया, वीडियोस बनाना स्टार्ट किया, वापस से अपलोड करना स्टार्ट किया, धीरे धीरे मेहनत की। और जो मेरा एक वीडियो है हाउ टू सेव डेटा ऑन यूट्यूब, ये वीडियो दोस्तों थोड़ा यहाँ पे सर्च में आने लगी और लोग इस वीडियो को पसंद भी कर रहे थे और धीरे धीरे इस वीडियो पे व्यूज़ भी बढ़ने लगा। इसी के साथ फिर से मोटिवेशन आई और मैंने अपने चैनल पे काम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे इस वीडियो से यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे थे और वॉच टाइम भी कंप्लीट हो रहा था, और जाके कुछ 2-3 वीडियोस और मेरे धीरे धीरे यहाँ पे व्यूज़ आना स्टार्ट हो गए उसके ऊपर। और एक वीडियोस जो अभी अगर आप देखोगे मोस्ट पॉपुलर में यहाँ पे मैंने वीडियो बनाया है कि लॉन्ग वीडियो को शॉर्ट कैसे बनाए, ये वीडियो अभी तक यूट्यूब पे चल रही है और सर से अच्छा खासा इसके ऊपर व्यूज़ आ रहा है। और इसी वीडियो की मदद से मेरा यहाँ पे सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है, मेरा यहाँ पे वॉच टाइम भी कंप्लीट हुआ, बहुत ज़्यादा हेल्प मिली इस वीडियो से।
तो यार मैं यही कहना चाहूँगा, बहुत लोग ये जब चैनल स्टार्ट करते तो उनको लगता है यार 1000 सब्सक्राइबर बहुत ही डिफिकल्ट है, 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट करना बहुत डिफिकल्ट है। मैं दोस्तों आपको कहना चाहूँगा, डिफिकल्ट तो है बट यार ये एक नंबर है। अगर आप धीरे धीरे यहाँ पे YouTube पे वीडियोज़ बनाओगे, अगर आप इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचते तो यार आपका जल्द से जल्द कभी भी ये वॉच टाइम भी कंप्लीट हो सकता है, आपका सब्सक्राइबर भी कंप्लीट हो सकता है। सिर्फ एक दो वीडियो यहाँ पे रहती जो आपकी जैसे ही वायरल होंगी ये सब कुछ आपका एक झटके में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो यार अब बस आपको रुकना नहीं है। बहुत लोग यार यहाँ पे एक महीना काम करते, दो महीना काम करते, उनको कुछ रिस्पांस नहीं मिलता तो यार चैनल छोड़ के चले जाते। मैंने टोटल इस पे 2 साल तक काम किया है, अभी ये अगस्त आ जाएगा तो मेरे 2 साल हो जाएंगे और आप समझ सकते हो मैंने यार कितनी वीडियोस, 200 से ज़्यादा वीडियोस अपलोड कर दिए, तब जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे 9th February 2023 में जाके मेरा 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गया और अभी के टाइम पे 9th May को मेरा 4000 आवर वॉच टाइम यहाँ पे YouTube पे कंप्लीट हो गया। जैसे मेरा 9th May को यहाँ पे वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, मैंने उसी दिन यहाँ पे YouTube पे अप्लाई कर दिया पूरा मोनेटाइजेशन प्रोसेस और मैंने यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर ली क्योंकि आप लोगों के लिए वीडियो बनाना था, तो मैंने पूरा यहाँ पे फिलअप कर लिया। फिर जो सेकंड स्टेप रहता है एडसेंस के लिए, उसमें 48 घंटे से भी ज़्यादा हो गया। आपने वीडियो में देखा होगा कि यहाँ पे जो एडसेंस अकाउंट रहता है वो 24 आवर्स के अंदर क्रिएट हो जाता है, बट मेरा क्रिएट नहीं हुआ, 48 आवर्स से ज़्यादा हो गया। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ देखी क्यों मेरा प्रूव नहीं हो रहा है, मुझे धीरे धीरे टेंशन लग गया यार कि मैंने इतनी मेहनत की और अगर कुछ एरर आ गया, कुछ मिस्टेक मैंने कर दी हो, इसके वजह से अप्रूव नहीं हो रहा है, तो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। फिर मैंने YouTube पे इस पर मेल भेजा क्यों एडसेंस अप्रूव नहीं हो रहा, तो YouTube पे तब से इसका मेल भी आया था कि अभी के टाइम पे यहाँ पे 2 से 4 वीक लग रहा है यहाँ पे एडसेंस अप्रूव करने में। तो मैंने इसके लिए एडसेंस के लिए यहाँ पे अप्रूव्ड होने का वेट किया और फाइनली जब मैंने यहाँ पे 9 तारीख को अप्लाई किया था और जाए 19 को यहाँ पे शाम को मेरा यहाँ पे एडसेंस अप्रूव्ड हो गया। जैसे एडसेंस अप्रूव्ड हुआ, नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह यहाँ पे 7 बजे मेरा चैनल भी मोनेटाइज होके आ गया। मैंने इससे पहले भी चैनल्स पे काम किया था जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया, बट ये चैनल फाइनली यार जाके पहली बार मेरा कोई ऐसा चैनल जो जाके YouTube पे मोनेटाइज हुआ है। और मैं आप सभी को दिल से यार थैंक यू कहना चाहूँगा क्योंकि अगर आप इतना सपोर्ट नहीं करते तो मेरा यार शायद 1000 सब्सक्राइबर नहीं कंप्लीट होता, ना ही 4000 आवर वॉच टाइम कंप्लीट होता, ना मैं मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर पाता। तो फिर से यार आप सभी को दिल से थैंक यू आप सभी का इतना सपोर्ट करने के लिए। तो बस फ्रेंड आज के लिए वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ।